नमस्कार, मैं सचिन यादव आपका स्वागत करता हूं चित्र चर्चा शो में। और आज हमारे साथ में राजस्थान नहीं अपितु देश भर के प्रसिद्ध पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष जैन जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर मनीष जैन का छोटा सा परिचय मैं दूं, बाकी की बातचीत हम लोग आगे करेंगे, उसमें आप सुनोगे। डॉक्टर साहब ने हमारे देश में जितनी भी वैक्सीन प्रीमिलरी आई हैं उन सबके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जयपुर में नवकार हॉस्पिटल श्वास के नाम से ये चला रहे हैं, जिसमें ये लगभग लाखों को मरीजों को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और गरीब मरीजों के लिए विशेष रूप से ये निशुल्क ओपीडी इनके प्रयास करता है कि अगर कोई गरीब मरीज है तो उसको निशुल्क ओपीडी की जाए। तो आप सबसे रूबरू कराता हूँ डॉक्टर मनीष जैन जी को। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मनीष जी, सबसे पहले तो आपसे बातचीत का क्रम ये कि आप किस पेशे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, पर आम लोग जो हैं वो इस शायद बाचा को समझ ना पाए, पर वो समझना है। बिल्कुल, देखिए जैसा हमारा शरीर है उसमें कई पार्ट होते हैं उसके, जिसे हम सिस्टम बोलते हैं, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे श्वास तंत्र बोलते हैं हम, जैसे हार्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं उसे हम। ठीक है, जैसे हम जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हम एक लंग्स के माध्यम से कंट्रोल होती है, जिसे हम होते हैं फेफड़े। तो मैं जनरली उस चीज को डील करता हूँ जिसके अंदर पेशेंट को सांस लेता है, सांस छोड़ता है, उसको सांस की क्या बीमारी हो सकती है, उसको अस्थमा एलर्जी या उसको दमा हो सकता है उसको। तो ये मुख्यतः ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अच्छा, जिसमें श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। तो ये तो काफी मतलब कॉमन सा चीज हो गया, क्योंकि लगभग अगर आज देखें हम, अगर 10 लोगों का हमारा ग्रुप है तो 10 में से 9 लोगों को ये समस्या होगी कि उनको सांस लेने में तकलीफ। तो ये डिफरेंशिएट कैसे कर पाए कि बीमारी हो गई है या फिर आदमी सामान्य प्रक्रिया? बिल्कुल सही बात पूछी कही आपने, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि एक जो कहावत प्रचलित है, श्वास है तो जान है। बिना सांस के हम एक पल नहीं जी सकते। आपको पता है कि सांस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्राणवायु जिसे हम बोलते हैं, ये ऑक्सीजन बोलते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से हमने देखा कि जो पॉल्यूशन का जो लेवल जो बढ़ा, प्रदूषण का लेवल बढ़ा पूरे संसार में, और जो टॉक्सिक गैसेस थी वो पूरे संसार में तेजी से फैली, और जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ हमें ये प्रॉब्लम ये है कि पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा है। तो उसी के कारण से बहुत से पेशेंट्स अभी सांस की दिक्कतों को लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल धुआं हो गया, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, मैंने बताया व्हीकल्स बढ़ गए आज पूरी संसार में, उससे भी दिक्कत हो सकती है। और साथ में कुछ ऐसी बीमारी भी अभी, जैसे पहले स्वाइन फ्लू आई थी, बर्ड फ्लू आई थी, और अभी हमने जो लेटेस्ट समय जो हमने पूरे संसार ने विपदा झेली, जिसे हम बोलते हैं कोविड जो कोरोना है, जिसमें अच्छे अच्छे पेशेंट्स की जो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन हो गया और हमने बहुत दिक्कतें झेली। कोविड का आपने जिक्र किया, कोविड में आपने जितनी भी वैक्सीन जो हमारे लिए जीवनदायी साबित हुई, जिनको जिनके आने से पहले तक लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे, और डर की वजह से काफी मौतें हुई हैं, आपने उन वैक्सीन में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभाई है। तो एक बार वो बताएं कि उसका प्रोसेस क्या होता है, जब भी कोई वैक्सीन मार्केट में आती है उससे पहले का क्या प्रोसेस होता है? बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, कोई भी संसार में दवाई आती है मेडिकल फील्ड में, स्पेशली एलोपैथी की बात करो तो वैसे नहीं आती है कि दवाई आई, हमने दवाई स्टार्ट करना यूज कर दिया, यूज करना उसको स्टार्ट कर दिया। हमेशा कुछ ना कुछ ट्रायल होती है, पहले उसको परीक्षण किया जाता है, उसके कुछ लेवल्स होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। कोई भी एक मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया जाता है पहले साइंटिस्ट के द्वारा या किसी लेबोरेटरी के द्वारा या बड़ी कंपनी के द्वारा, फिर हम देखते हैं कि उस दवा से इसमें इस बीमारी में आराम आ सकता है। तो उसकी डोज डिसाइड की जाती है, कौन सी डोज कितनी देर, उसको डोजों कैसे देखा जाएगा कि 500 मिलीग्राम ही चाहिए या 1 ग्राम ही चाहिए। बिल्कुल, तो उसको पहले एनिमल से परीक्षण किया जाता है, एनिमल से परीक्षण किया जाता है, कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी जाते हैं, उसके बाद वो डोज डिसाइड की जाती है। ये देखा जाता है कि ये डोज सबसे कम टॉक्सिक है और सबसे कम साइड इफेक्ट आएंगे उस डोज को, फिर परमिशन के बाद, प्रॉपर जो परमिशन होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की और पूरे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स की, उसको फिर ट्रायल के रूप में हमको आगे लाया जाता है। उसमें फिर हम कुछ पेशेंट सेलेक्ट करते हैं या पहले हेल्दी वॉलंटियर सेलेक्ट करते हैं, उनको हम समझाते हैं, सारा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद वो दवाई स्टार्ट की जाती है। और उसके बाद जब लगता है कि पूरे समूह में, जैसे कि कोई भी ग्रुप ले लिया, 1000 का ग्रुप ले लिया, 2000 का ग्रुप ले लिया हमने, उनमें ये बिल्कुल सेफ पाई जा रही है, तो उसको फिर लॉन्च किया जाता है गवर्नमेंट की परमिशन की सहायता से। ये ट्रायल का प्रोसेस होता है। तो जैसे आपने बताया कोविड के इंजेक्शन की ट्रायल, वैक्सीन की ट्रायल हमने की मैंने, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ट्रायल करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि जब देखा पैंडेमिक पूरे संसार में फैल गई, उसको कोई स्ट्रैटेजी में कोई इलाज भी समझ नहीं आता साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को, पर धीरे धीरे रिसर्च की गई और पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी जल्दी रिसर्च हुई, इलाज भी डेवलप किया गया,
रिसर्च के माध्यम से, और वैक्सीन भी आ गई उसकी, क्योंकि हमने देखा कि वैक्सीन लगने के बाद से हमने जो सेकंड थर्ड वेव आई थी वो इतनी ज्यादा स्मूथली निकल गई, पेशेंट्स के सर्वाइवल की तरह बिल्कुल कम से कम दिक्कत हुई, एडमिशन बहुत कम हुए, ऑक्सीजन की जरूरत बहुत, ऑक्सीजन की तो पड़ी नहीं। तो जब मुझे पास प्रपोजल आया कि कोवैक्सीन भारत हमारे कंपनी जो भारत बायोटेक है और आईसीएमआर ने इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च उसका सौजन्य से जो एक वैक्सीन ट्रायल का मुझे मौका मिला, तो फिर मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया और उसको मैंने काफी वॉलंटियर्स को समझाया। उस टाइम दिक्कत भी थी, लोग बड़े उत्साहित थे, कोई नई चीज आए वैक्सीन आए तो हम लगा के सेफ तो जाएं, सेफ तो जाएं। और ये बहुत अच्छी बात है कि उस टाइम पे हर वर्ग के लोग इसमें आए, पॉलिटिशियंस भी आए इसमें, इसमें रिपोर्टर्स भी आए इसमें, और वृद्ध लोग भी आए इसके अंदर, एडवोकेट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, उन्होंने इतने उत्साह से भाग लिया, समाज के अंदर के हर तबके लोग आए, और ये भी सक्सेसफुल रही वैक्सीन, और ये वैक्सीन आज हम देख रहे हैं उसका परिणाम, सब बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सफल परीक्षण रहा और इसके लिए मैं उत्साह और उनकी पूरी टीम जो इसमें लगी हुई थी उसका आभार व्यक्त करता हूँ पूरी मानव जाति की तरफ से। और अभी आप जिस गंभीर चेहरे को देख रहे हैं, जितनी गंभीरता से जवाब दिए हैं, इसके अलावा डॉक्टर साहब के बहुत सारे हॉबीज हैं, डॉक्टर साहब गाते भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब एक्टिंग भी करते हैं, डॉक्टर साहब इसके अलावा सामाजिक सरोकारों से भी काफी जुड़े हुए हैं, जो समाज कल्याण के काम है निर्णय वो भी करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब जब मतलब आपके थोड़ा सा बचपन में जाते, क्योंकि अभी तो आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो बचपन से अगर बताएं कि आपकी परवरिश कैसे हुई, किस माहौल में हुई, जो आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको चिकित्सा सेवा में जाना। जी हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सिंपल फैमिली से हूँ मैं, और मैं सरकारी स्कूल से भी पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं ये सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम किसी भी स्कूल से पढ़े हो, हमारा बैकग्राउंड कैसा भी हो, अगर हम ठान लें, मेहनत करें और फोकस रहें, तो हम जरूर वो हमारा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मन बचपन से एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, कि मेरे मन में कैसे पैदा, जैसे मुझे समझ आई मुझे बैठ के मुझे डॉक्टर बनना है, साथ में मुझे सिंगर बनने का भी शौक था, मुझे मैं गाना भी गुनगुनाता था कभी, लेकिन मेन था डॉक्टर बनना है मुझे। तो फिर वो जैसे जैसे क्लास बढ़ी उठी गई, साइंस बायोलॉजी हमने सब्जेक्ट लिया और मेडिकल में आ गए, तो मतलब जो सोचा था पूरा हो गया, क्योंकि वो मेहनत की मैंने, उसी हिसाब से मेहनत की मैंने, और कितनी बाधाएं बीच में आई, हम किस फैमिली, बहुत सिंपल फैमिली से थे तो लिमिटेशंस भी थी बहुत ज़्यादा हमारे साथ, और हम जहाँ रहते थे वहाँ भी लिमिटेशंस थी, बड़ा शोर शराबा भी रहता था, लेकिन मैं अपना टारगेट अचीव कर पाया, और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि जो एक मैं श्वास रोग स्पेशलिस्ट जैसे कि हूँ मैं, वो पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सांस में दिक्कत आ रही है, उनको एक पल भारी पड़ता है कि सांस रुक जाएगी और मेरे इलाज से उनको आराम मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है। पेशेंट मुझे बोल के भी जाते हैं कि सर इतना आराम पहले कभी नहीं आया। इसके अलावा जिसमें ब्रोंकोस्कोपी भी करता हूँ आईसीयू में जाके, तो उसमें हम लंग्स की फेफड़ों में जाके देखते हैं कि कोई बलगम है, कुछ और तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, उसमें फोड़ा भी लेते हैं। इसके अलावा एक इमरजेंसी चीज़ और होती है जिससे मतलब बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है फेफड़ा फूट जाता है किसी मरीज का, एक तरफ का फेफड़ा फूट सकता है, दोनों तरफ का फूट सकता है। जनरली उसमें कभी रोड एक्सीडेंट से बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं हमेशा में जाके मैं उनके एक चेस्ट में डालता हूँ लंग्स में, और पेशेंट बिल्कुल आराम मिल जाता है, पेशेंट बहुत ठीक हो जाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं थैंक्स बोलता हूँ सबको, बड़ों को, मेरे बुजुर्गों को और ऊपर वाले को, कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी की कोशिश करके जान बचा पाया। बिल्कुल मनीष जी, जब भी किसी सामान्य वर्ग का बालक जब किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचने वाला होता है, या जब वो उस प्रारंभिक सीढ़ी पे होता है, तो उसके माँ बाप जो भी सक्षम होते हैं वो उसको एक सीख देते हैं। जैसे मसलन की जब मैं पहली बार जब नौकरी करने गया, तो मेरे पिता ने मुझे कुछ बातें दी कि भाई ये चीज़ें ध्यान रखना, पहली नौकरी है ना, तो जिंदगी में ये एक तरीका है आगे बढ़ने का जब आप काम करने जाते हो प्रोफेशनली। तो आपको क्या सीख मिली जिसको आप अभी तक फॉलो कर रहे हैं? ठीक, मुझे एक ही सीख मिली मुझे कि बड़ों का आदर करना चाहिए, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखो। आप आज मैं कोई भी लेवल का कोई भी पर्सन है, इंसान है, हमको से सीखना चाहिए, वो किसी भी लेवल में, चाहे वो टीचर है, चाहे से वो पेंटर है, कारपेंटर है, कुछ ना कुछ सीखने की बात होती है कि हम जो भी काम करें उसको बड़े अच्छे से करें, उसको एक आर्टिस्टिक वे में करें, आर्टिस्टिक वे में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम देखते हैं कि आज फॉर एग्जाम्पल एक टेबल बनानी है हमको, एक कारपेंटर टेबल बहुत अच्छे से बनाएगा, मन से बनाएगा, और एक कारपेंटर घास काटेगा, तो हमको कभी कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमारा अपना बेस्ट देना चाहिए। और हम कहते हैं कि समाज कैसे बनता है, देश का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो ठीक वैसे होगा कि जब मनुष्य अपना डेवलपमेंट करेगा, खुद का स्वयं का विकास होगा, तो भी संसार का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो मुझे वो सीख मिली, आज तक फॉलो करता हूँ उसको। खुद का एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, उससे पहले मैं एक बार, मनीष जी आपको गाने का बड़ा शौक है। जी जी, और आपको स्क्रीन पर दो चेहरे दिख रहे होंगे, एक जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है वो मुझसे कहीं ज्यादा बड़े हैं, मुझे ये बात अभी बातचीत के दौरान पता चली। आपकी उम्र और आपकी जो त्वचा है उससे मेल मिलाप नहीं हो पाता, ये इसलिए कि आप जिंदा दिल इंसान हैं, संगीत के इतना करीब हैं। बिल्कुल, संगीत से
आदमी इतना मुस्कुराता हुआ रह सकता है? देखिए ना, मेरा एक, मैं सबको बोलता हूँ कि शौक ऐसा पालिए, एक तो अपने दम पे पालिए शौक। शौक हमेशा पेरेंट्स के दम पे पूरा नहीं किया जाता, शौक अपने पैसों पे होता पूरा, ठीक है? पहली बात, अच्छी हॉबीज पालिए, अच्छी हॉबीज नहीं हम फिट रहेंगे। आज मेरी हॉबीज को देखता हूँ तो मैंने, मेरे को सिंगिंग की मैंने, मेरे म्यूजिक एल्बम रिलीज किए मैंने, पिस्टल शूटिंग की, राइफल शूटिंग की मैंने, मैं नेशनल तक गया उसमें, और साइडिंग करता हूँ मैं, वॉक करता हूँ, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करता हूँ मैं, जॉगिंग करता हूँ मैं, मतलब कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। तो उसे फिटनेस रहती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। अगर हम स्वस्थ सोचेंगे तो हमारे हार्मोन उसी लेवल में डायरेक्शन में काम करेंगे, हमारी बॉडी में वैसे ही वैसा निखारता जाएगा। तो वो चीज़ें जो मेरे शौक थे पूरे, मैं आज पूरे कर रहा हूँ उनको मैं, तो उस वही कारण है कि मैं शायद फिट लगता हूँ मैं, और मैं दूसरों को कहीं पर इंस्पायर कर पाया, मैं बहुत, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है ये। अच्छा, आपसे दो गाने सुनेंगे हम आज, एक तो कार्यक्रम के अंत में लोगों के लिए जो प्रेरणादायी जी, तो जो आपको हमेशा जीवन में मोटिवेशन लाता हो, जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो, और एक वो गाना जब आप किसी विपत्ति में हो, आप किसी संकट में हो, मुसीबत में हो, तो आप अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि हाँ ठीक है सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई गीत जो आपके मन में अकस्मात आ जाता हो कि जब भी आप कोई विषम परिस्थिति देखते हो तो ऐसा लगता है कि यार ये गाना गा लिया, मुकेश का गा लिया, लता दीदी का, रफी साहब का, तो मन को सुकून मिलता है, फिर आप उस पर विजय पा जाते हैं परिस्थिति पे, वो गाना सुनाइए एक बार। जी हाँ, देखिए गाने तो जैसे गानों की भी अलग अलग रस होते हैं, दीर्घ रस होता है, रोमांटिक रस होता है, दुख भरा रस होता है, तो मैं तो कोई से भी गाने गाता हूँ मैं अपने को फिट महसूस करता हूँ मैं। लेकिन जो एक बहुत इंस्पिरेशन सॉन्ग मेरे लिए, मेरे को मन में आशा कहता हूँ, वो एक फकीरा पिक्चर थी जी, स्वर्गीय महेंद्र कपूर साहब ने गाना गाया था, वो चल चला चल अकेला चल चला चल, उसमें उस गाने में ये मैसेज है आता है कि आपके सामने कैसे भी आफत आ जाए, आपको अकेला काम करना है, वन मैन आर्मी बन के काम करना है, तो पूरा संसार पीछे पीछे आ जाएगा। बिल्कुल, तो वो गाना मुझे बिल्कुल आप बताएं, सुनाए। ओ सुन के तेरी पुकार, ओ सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल, फकीरा चल चला चल। थैंक यू, ये बहुत अच्छी रेंज का सॉन्ग है, लेकिन कोशिश की गाने नहीं, ये भाव है जो आपने रखे हैं, और निसंदेह लोग इससे प्रेरित होंगे। आपके थोड़ा पारिवारिक और बैकग्राउंड की तरफ जाते हुए कि अपने माताजी बाबूजी के बारे में कुछ बताएं कि उन्होंने, मतलब आप जो बने हो आज, जो मनीष जैन तैयार है लोगों के सामने, डॉक्टर मनीष हैं, उसमें दोनों के क्या क्या गुण हैं जो आप समझते हो कि मुझमें, पिताजी से मुझमें ये आया और माताजी से मुझमें ये गुण आया? मम्मी से मुझे ये गुण आया कि स्ट्रगल करना चाहिए, मम्मी ने बहुत स्ट्रगल की, मम्मी के पेरेंट जल्दी चले गए थे, एक्सपर्ट हो गए थे। पापा जी से मुझे गुण आया कि हमेशा सीधा बने रहो, सज्जन, सीधा, ऑनेस्ट, सरलता, कल सरलता, मेरे पापा भी इतने सरल है, इतने ऑनेस्ट हैं, बस की कोशिश करते झूठ ना बोले, किसी का दिल ना दुखाएं, मन वचन कर्म से, क्योंकि जैसे मेरा नाम मनीष जैन है, हमारे जैन धर्म में कहा गया है कि आप अहिंसा करो, अहिंसा भी ऐसी कि मन वचन करो, मन में किसी के बारे में गलत मत सोचो, आप अपने ऐसा कुछ वाणी में बोलो कि जिससे गलत लगे, ठेस दिल को पहुंचे, और हिंसा तो करनी नहीं है। तो ये दो गुण मेरे अंदर आए, उसको मैं आज तक फॉलो करता हूँ, और आगे भी कोशिश करूंगा, फॉलो करता हूँ इसी तरह से। अच्छा, आपके जीवन साथी जो कि पेशेवर जिंदगी में भी आपके साथी हैं, उनके बारे में बताएं, उनका कितना रोल है, क्योंकि एक लंबा समय आप दोनों को साथ बिताते हुए हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, मेरी वाइफ है डॉक्टर मध्यन्द्र जैन जी, बेसिकली वो गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑप्शन गायनी, मतलब वो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, डिलीवरीज, ऑपरेशन, सिस्टेक्टोमीज करवाती हूँ, और मेरी वाइफ सिख धर्म से है, मैं जैन धर्म से हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने जब पीजी करने जोधपुर में गया था तो मेरी वाइफ से मेरी मुलाकात हुई, और मुझे एक गायनी ऑप्स वाली लड़की से शादी करनी थी, ऐसा मन में सोचा था मैंने, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर शादी करता तो थोड़ी जूनी अच्छी रहती है, तो हमारा अच्छी बातचीत हुई, हम आगे बढ़े, और आज वो इतनी स्ट्रॉन्ग, मेरी वाइफ इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसी की तारीफ करना चाहूँगा कि अभी मुझे कोई टेंशन भी होती है, स्ट्रेस होता है, तो कहती है कुछ नहीं, रिलैक्स रहो बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ तू अपने ये जो तेवर ऐसे बरकरार रखना, मैं जैसे इंस्पायर करूँगा। अच्छा, तो ये गाना गाने की वजह से आप इम्प्रेस कर पाए? नहीं, गाने गाने की वजह से इम्प्रेस नहीं करना है, उसको भी बाद में लगा कि गाने में बाद में बताया तो अच्छा लगा उसको। वैसे पहली मुलाकात कैसे? पहली मुलाकात ऐसे हुई कि हमारी कुछ क्लिनिकल क्लासेस होती थी मेन मेडिकल कॉलेज में, तो मेरा डिपार्टमेंट अलग था, उसका अलग था, तो वहाँ पे आते थे, मिलते थे एक दूसरे से, तो फिर अच्छा लगा, उसको लगा कि सज्जन बंदा है, मुझे भी लगा अच्छी बंदी है। हाँ, तो ऐसे बात करते कि फिर प्रपोज कर दी मैंने, तो पहली नज़र का प्यार, पहली नज़र, तो प्रपोज आपने नॉर्मली जैसा टिपिकली अलग अलग चिट्ठी पहुँचा के प्रपोज अलग तरह से किया मैंने बेसिकली सिख लोग कड़ा पहनते हैं, हाँ हाँ हाँ,
तो हम दोनों खड़े थे, मैं अपने बाइक पे था अपने स्कूटर पे थी, तो मैंने बातों बातों में उसको खड़ा लिया और उसको खड़ा बना दिया, ये कहते हुए कि देखो मेरे पास अंगूठी तो अभी है नहीं, तो मैं प्रपोज मैं खड़ा बना के वापस प्रपोज कर रहा हूँ। बहुत यूनिक प्रपोजल था ये, क्या ये यूनिक प्रपोजल बहुत ज्यादा। तो इस तरह से आपके दो संतान हैं जी, हाँ उनके बारे में बताएं। मेरी डॉटर है दिल्ली IIT से जी, और मेरा बेटा VIT बैंगलोर से, कंप्यूटर साइंस में दोनों, और बहुत अच्छा स्टडी चल रही है उनकी, VT इनफैक्ट जॉब लग गया उसका, बहुत अच्छा पैकेज है उसका, मतलब जीवन बड़ा हाँ मतलब ऐसे शांतिपूर्ण जीवन है, सबके ब्लेसिंग से सब शांतिपूर्ण चल रहा है, और मैं चाहता हूँ ये बहुत अच्छा चले, मेरी तरफ से मैं कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ समाज को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, क्योंकि अभी तक जैसे आपने इतने काम किया है, लगभग मेरे हिसाब से 20-25 वर्ष आपको हो गए होंगे इस मेडिकल पेशे में, तो अब आगे के आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके लिए आप सबसे कि लोग उनसे कुछ लोगों को मिल पाए सामाजिक सरोकार। देखिए मेरा जो मेरा मेन टारगेट है वो देखने का पूरा होता है, ईश्वर चाहता है तो पूरा होता है, कि एक ऐसा सेंटर लंग्स का जहाँ पे लंग्स ट्रांसप्लांट हो सके, राजस्थान में सुविधा कहीं भी नहीं है, जहाँ फेफड़े बदल दें मरीज का, जहाँ पे लास्ट में मरीज मेरे पास आए कि सब सब डॉक्टर से जवाब दे दिया अब क्या कर सकते हैं, तो हम लंग ट्रांसप्लांट कर दें बहुत नॉमिनल रेट्स पे कर दें, और हम एक जनता ICU खोले वहाँ पे, जनता ICU खोलेंगे या तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो या इतने अफोर्डेबल प्राइसेस हो कि वहाँ अमीर गरीब साथ रहे, कोई दिक्कत ना रहा, क्वालिटी ट्रीटमेंट की, मतलब पेशेंट का लंग्स चेंज ही कर दिया, सोचिए इससे ज़्यादा क्या होगा, तो उससे वो सारा ट्रीटमेंट लंग्स का रिसर्च, बेसिक रिसर्च, इनोवेटिव रिसर्च, हर तरह की रिसर्च वहाँ पे कर पाए, ऐसा मेरा सर रिसर्च बेस्ड पूरा सेंटर होगा, रिसर्च बेस्ड प्लस ट्रीटमेंट बेस, ओके दोनों के बहुत से सेंटर्स के ट्रीटमेंट बेस होते हैं, रिसर्च हर जगह नहीं होते, रिसर्च हर जगह, तो मैं ज्यादा दोनों को कंबाइन कर दूँ मैं, कि हम नई दवाई भी दे रहे हैं उनको, हम नई नई रिसर्च भी कर रहे हैं उनको, और इस तरह से कर रहे हैं कि मतलब पेशेंट को लग रहा है कि बस इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, ये सपना। आज आपने और हमने डॉक्टर मनीष जैन जी से बातचीत की है, बातचीत और अधिक लंबी जा सकती है, पर समय की इतनी उपलब्धता है नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब के पहले से ही कुछ विमर्श हैं जो बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों के लिए ऐसे ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान लोगों को आपसे मिलाता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार, आपने अपना समय दिया है, इतना कीमती समय, आप बस लगातार फोन से फोन आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का, देखते रहिए चित चर्चा शो।